हाँ भाई, किधर है मुर्गियाँ? भाई तो नीचे चली गई मुर्गियां बाहर। भाई दोस्तों, एक और जो है वो चूजा जस्ट निकल रहा है अंडे से, मैं आपको दिखाऊं। ये चेक करें, और अनबॉक्सिंग होने वाली है हमारी कीमा कचौरी की। ये चले भाई, आज आयरन स्टार्ट ले रही है कीमा कचौरी का। अब आप दोस्तों से बस ये चीज मुझे पूछनी है, और काइंडली आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा ताकि मैं टाइमिंग को जो है वो थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करूं। अच्छा भाई, अभी एक चीज जो है वो यहाँ पे वेस्टेज के तौर पे हो रही है, वो ये कि सोलर पैनल जो है वो भाई दोस्तों, अभी अच्छी बात है कि लोमन ब्राउन जो यहाँ पे 6 मुर्गियां, उनमें से 5 जो है माशाल्लाह से अंडे दे रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज संडे की एक बहुत खूबसूरत सुबह है, और सबसे पहले भाई आप दोस्तों से बहुत बहुत माजरत कि कल जो है वीडियो मैं रात में पोस्ट नहीं कर पाया था, और मैंने सुबह जो है वो वीडियो पोस्ट करी है। काफ़ी दोस्त इंतजार कर रहे थे, उसके बाद कमेंट्स आए, काफ़ी दोस्तों ने कहा आज भाई हम तो सारी रात आपकी वीडियो का वेट कर रहे थे। तो आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया वेट करने का, और आप दोस्तों से बहुत बहुत माजरत भी। एक्चुअली एक तो गलती ये हुई कि वीडियो मैं पोस्ट नहीं कर पाया रात को, दूसरी गलती ये हुई कि मैं कम्युनिटी पोस्ट भी नहीं लगा सका वीडियो लेट होने की। एक्चुअली हुआ ये कि रात को मैं फार्म पे गया था, वहाँ से वापस आया, वीडियो एडिटिंग पे मैं बैठा था, तकरीबन 9:45 बजे मैं वीडियो एडिटिंग पे बैठा था। मैंने समझ लिया एक क्लिप ही एडिट किया होगा, मुझे इतनी शदीद नींद आई है। मैंने बेगम को बोला भाई मैं सो रहा हूँ, मुझे आप 1 घंटे बाद उठा देना। तो बस मैं उस वक्त सोया हूँ, और 1 घंटे बाद बेगम ने मुझे बड़ी उठाने की कोशिश करी, मैं जो है वो बस समझ लें कि उठ नहीं पाया। मेरी ऐसी नींद में, मतलब गहरी नींद में चला गया था मैं, शदीद जो मुझे नींद आई थी मैं उठ नहीं पाया। तो फिर मेरी आँख खुली है 4:45 बजे, तो खैर 4:45 बजे उठा, मैंने नमाज़ पढ़ी, ईशा की नमाज़ मेरी रह गई थी, तो मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद फिर मैं एडिटिंग पे बैठा, एडिटिंग पे बैठ के फिर मैंने वीडियो अपलोड करी है सुबह। तो बस ये सीन हो गया था, मुझे यकीन करें कि कम्युनिटी पोस्ट लगाने तक का भी जो है वो टाइम नहीं मिला, इतनी शदीद मुझे नींद आ रही थी। अब आप दोस्तों से बस ये चीज़ मुझे पूछनी है, और काइंडली आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा ताकि मैं टाइमिंग को जो है वो थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करूँ। एक चीज़ मुझे ये समझ में आई, जब सुबह उठ के मैंने इसकी एडिटिंग करी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश था, और मुझे बिल्कुल भी एडिटिंग भारी नहीं लगी, और माशाल्लाह से बहुत स्मूथली मैंने एडिटिंग करी। तो अगर पॉसिबल हो कि अगर मैं वीडियो को सुबह 8 बजे पोस्ट करूँ एडिटिंग करने के बाद, तो क्या ये टाइमिंग सूटेबल है, क्या इस टाइमिंग को मुझे रखना चाहिए, या तो फिर अगर मैं उसी दिन मतलब रात में अगर मैं अपलोड करूँ, तो रात के तो मुझे ये तकरीबन 12:00 बजे तक की टाइमिंग समझ में आ रही है। तो 12:00 बजे अगर मैं पोस्ट करूँगा तो मुझे बड़ा मुश्किल हो जाता है उस वक्त एडिट करना, क्योंकि दिन भर की मेहनत होती है, थकन होती है, और दूसरे भी काम होते हैं, तो फिर रात को ज़रा मुश्किल लग रहा होता है एडिटिंग करना। तो काइंडली इस 8 बजे की सुबह की टाइमिंग के बारे में मुझे बताइएगा। अगर मोस्टली आप लोग कहते हैं कि वाज भाई ठीक है टाइमिंग, और फिर मैं देखता हूँ अगर मेरी व्यूअरशिप जो है वो डाउन नहीं होती 2-3 दिन जो है वो उसको एक्सपेरिमेंट करने के बाद, तो फिर मैं इसको 8 बजे पर ही रखूँगा टाइमिंग को सुबह। तो काइंडली कमेंट्स में लादी बताइएगा, इंशाल्लाह फिर इस पर अमल करेंगे। बाकी आयरा जो है वो आ गई है। अस्सलाम वालेकुम आयरा, ये इस पूल को क्या हो गया? आयरा तो बिल्कुल ही बंद हो गया बेटा, है ना? ये भी बंद हो रहा है, ये भी बंद हो गया बिल्कुल। अब देख, अब इसको दोपहर में चेक करेंगे ये खुलता है कि नहीं, ठीक है? अभी ये तो खुला हुआ, ये वाला खुला हुआ है अभी, हालांकि सुबह के 9 बज गए, और ये भी बंद हो रहा है, इसको खुल जाना चाहिए अभी जो है वो। मुर्गियों को मैं पहले इसके लिए खोल लेता हूँ, फीड के लिए। आ जाओ भाई, आ जाओ। हाँ भाई, क्या हाल है? हेल्दी एंड एक्टिव है सारी की सारी? हाँ भाई, माशाल्लाह हेल्दी एंड एक्टिव है सब। आया अंडा चेक, आया कि नहीं? अंडे चेक करें, आ रहा कितने आए अभी तक? 2 आए, 2 अंडे आए, 3 आए बेटे, 3 आए। अच्छा, एक यहाँ पे दे दिया उसने। चलो माशाल्लाह सुबह सुबह 3 अंडे आ गए। अब चलते हैं वहाँ पे ब्राह्मण एंड फैमिली, उनको खोलते हैं। चलो भाई यहाँ पे इनको खोल लेते, असल में इनको खोलना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटे पिंजरे में होते हैं तीनों के तीनों। आ जाओ, आ जाओ, माशाल्लाह। अरे ये क्या कर रहा है? अंडा भी आ गया भाई, माशाल्लाह से अंडा भी दिया हुआ है। आ रहा है, देखो अंडा भी आ गया। अच्छा, अंडे का जो है वो गैप आ गया था कल, जो है वो इन्होंने अंडा नहीं दिया दोनों में से किसी ने, आज अंडा आया है। अच्छा, अभी मैं फीड इनकी ऐड कर देता हूँ, फीड यहाँ पे मौजूद नहीं है। मुझे लगा कभी कभी देते, कभी कभी नहीं देते। ये 1 दिन का गैप से दे रही है बेटा। चलो मैं फीड लेके आते आ रहे हैं इनकी। चलो खा लो भाई, फीड खा लो। सही है माशाल्लाह। तो भाई चूजों की अपडेट ले लेते हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ भाई, क्या हाल है? फिर जो है वो एक चूजा अंदर बैठा हुआ है इसके। अरे भाई जाओ यहाँ से, टमाटो ये देखे कि फिर वहाँ घुस गया। क्या कर रहे हैं ये? ये देखो क्या कर रहे हैं, जाओ। छोटा वाला है ये, छोटू मोटू है ये। तो फीड भी आज इनकी ऐड करनी है, बाकी पहले मैं इनका पानी ऐड कर दूँ। ये देखे भाई कहाँ आ गया ये।
पानी के चक्कर में कहाँ गया? प्यासे हैं काफी। चलो ये पानी पी लो। असल में आज थोड़ा सा लेट हो गया था पानी पिलाने में उनको, क्योंकि मैं एडिटिंग करने के बाद सो गया था, तो अभी बस उठाऊँ, जस्ट 9 बजे उठाऊँ मैं अभी, तो 9:30 है, तो इस वजह से जो है वो ज़रा पानी पे ज़्यादा एग्रेसिवली आए ये। अच्छा पानी भी मैंने इनको थोड़ा ही ऐड किया है, क्योंकि अभी मुझे इनको मल्टीविटामिन का पानी ऐड करना है, उसमें ज़रा टाइम लगता है, तो मैंने कहा भाई थोड़ा बहुत पानी तो उनको पिलाऊँ, काफ़ी देर से प्यासे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई शौक से पी रहे और माशाल्लाह हेल्दी एंड एक्टिव है सारे। छोटा वाला भी रह गया, इसको जगह नहीं मिली, ये रहा। अच्छा छोटा वाला भी माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा हो गया। अच्छा कल जो है वो सफाई इनकी नहीं हो पाई थी, पेपर वगैरह भी ऐड नहीं किया था, तो आज ये काम भी करना है, सफाई करनी है प्रॉपर और इसकी जो है फीड ऐड करनी है। बाकी भाई हैचर की अपडेट ले लेते अपनी, क्या है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह एक और चूजा आ गया भाई, ये देखे भाई माशाल्लाह, ये चेक करें भाई, ये देखें थोड़ा डार्क कलर में लग रहा है, अभी अभी जस्ट हैच हुआ है क्योंकि बिल्कुल गीला है। अरे एक और अंडा जो है वो देखें, ये वाला भी क्रैक हुआ हुआ है। अच्छा ये 25 साली वालों में से निकला है आई थिंक, ये देखें भाई ये 25 साली वाला है और इसका छिलका का है। अरे आप लोग तो हटो भाई, आप लोग तो हटो, ये इसका कहाँ चले गया, छिलका कहाँ गया इसका, एक शेल नजर नहीं आ रहा इसका। अरे भाई एक शेल कहाँ चला गया, अरे ये रहा ना, अच्छा उल्टा पड़ा हुआ है मुझे नजर नहीं आ रहा, ये है भाई, हाँ 25 साली वाले में से निकला ये। और आप लोग जाओ इधर हटो यहाँ से, चलो इनको बंद कर देते हैं। अच्छा मजीद जो है वो एक ये क्रैक हुआ हुआ है 25 का, और कौन सा है ये 26 है, ये 26 है और एक 25 का ये है, इसमें अभी कोई क्रैकिंग नहीं हुई है। चलो अभी बंद कर देते हैं इसको। चलो भाई माशाल्लाह से दोबारा जो है वो हैचिंग स्टार्ट हो गई है, अब एक और जो है मेहमान आ गया, माशाल्लाह से 3 चूजे जो है वो अब हैचर में हो गए। अच्छा भाई ये तो हो गई सुबह की अपडेट, अब अभी आज क्योंकि संडे का दिन है तो भाई नाश्ता लेने के लिए जाना है, तो आज इरादा यही है भाई कीमा कचौरी लेके आनी है, क्योंकि 2 वीक से जो है वो नहीं ला पा रहा मैं, तो आज इंशाल्लाह भाई जाएंगे कीमा कचौरी लेने के लिए और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें मिल जाएगी। अच्छा भाई दोस्तों फाइनली 2 वीक्स के बाद जो है माशाल्लाह से कीमा कचौरी और हलवा पूरी आ गई है और इसको जो है वो डिश आउट किया जा रहा है। ये है हमारी कीमा कचौरी। आइए अहमद आपका फेवरेट हलवा भी आ गया है, ये रहा अहमद का फेवरेट हलवा, ये आ जाओ अहमद आप बोलो बिस्मिल्लाह। चलो ये आ गई आलू की तरकारी और ये आ गए हमारे चने और अनबॉक्सिंग होने वाली है हमारी कीमा कचौरी की। ये आ गई कीमा कचौरी, अब तो आयरन भी बहुत पसंद है ना कीमा कचौरी। चले अच्छा मैं ज़रा थोड़ी सी कम खाऊंगा आज कीमा कचौरी, थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ आजकल मैं ऑयली चीज़ों को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। चले भाई आज आयरन स्टार्ट ले रही है कीमा कचौरी का, माशाल्लाह माशाल्लाह। आयरा आप बताएं रिव्यू दें कैसी है, अच्छी है, आयरा को पसंद आ गई है। चलो भाई माशाल्लाह थोड़ा सा बाबा भी थोड़ी सी चक्के देख लें। चलो भाई मैं भी जल्दी से जो है वो कीमा कचौरी का रिव्यू दे दूँ, वैसे तो दे चुके हैं पहले भी रिव्यू और आप ये देखें भाई वैसे ही जो है वो परतें बनी हुई है, खस्ता हो रही है कितनी माशाल्लाह से ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रिस्पी। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। बहुत क्रिस्पी है भाई माशाल्लाह, बहुत सॉफ्ट। चलो आयरा अभी कीमा कचौरी खाएं, मैं हलवा पूरी भी ट्राई करता हूँ और आयरा आज आपको मम्मा को ख़त्म करनी है कीमा कचौरी है, ठीक है। तो चले भाई अपना हलवा पूरी का नाश्ता करते हैं और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा भाई मुर्गियों की पोजीशन देखें क्या है, हाँ भाई किधर है मुर्गियाँ, कहाँ चली गई, हाँ भाई कहाँ है तुम्हारी लोमन ब्लैक्स, अबे उड़ तो नहीं गई, भाग गई क्या, यहाँ तो नहीं है नीचे, लो भाई वो नीचे घूम रही मुर्गियाँ, अरे पकड़ के लेके आऊँ मैं भाई, तो नीचे चली गई मुर्गियाँ बाहर, तो लेके आता हूँ। ये देखें भाई यहाँ पे आ गई हैं, यहाँ पे आ गई हैं भाई मुर्गियाँ, चले भाई दोनों मुर्गियाँ पकड़ाई में आ गई हैं, आ जाओ पहले तो मैं इनको बंद करूं क्योंकि ये तो फिर चली जाएंगी। अरे क्या कर रहे मुर्गियों ने, ये
यार देखो ये तो निकल गई थी, देखते नहीं तो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाती है। ओहो भाई ये तो सीन कर दिया आज मुर्गियों ने। शुक्र करे ये तो नहीं गया। शुक्र है हाँ। तो भाई दोस्तों अभी ये सीन हुआ है, अभी मैं इसको बंद ही रखूंगा। और ये बेसिकली वो जगह है जहाँ से ये कूद के गई है गली के अंदर, और यहाँ मजे से घूम रही थी, चराई कर रही थी। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ पहले एमरजेंसी बेसिस पे इसको मैं बंद करूँ, सबको कवर अप करूँ, और जो मैंने पर्दे का सोचा हुआ था तो बस अब ये कि आज जाके इंशाल्लाह पर्दा लेके आता हूँ उसका, और पहले इसके पिलर्स वगैरह जो है वो ठोकता हूँ यहाँ पे ताकि पर्दे उस हिसाब से आ जाए यहाँ पे। तो मुर्गे को भी अभी मैंने खुला छोड़ा हुआ है, इसको यहाँ पे खुला रहने देते। भाई दोस्तों एक और जो है वो चूजा जस्ट निकल रहा है अंडे से, मैं आपको दिखाऊँ। ये चेक करें भाई माशाल्लाह तकरीबन आधा बाहर आ गया ये। ये देखो अच्छा वो जो निकला हुआ है वो तो कोने पे वहाँ पे बैठा हुआ है, और ये भी ऑलमोस्ट हाफ जो है वो निकल चुका है माशाल्लाह माशाल्लाह। आ जाओ भाई आ जाओ, शाबाश, नए मेहमान हमारे आ रहे हैं। अच्छा ये वाले जो है माशाल्लाह से बिल्कुल खुश्क हो गए, कैसे माशाल्लाह रुई के गोलों की तरह लग रहे हैं। अरे 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 माशाल्लाह। चलें थोड़ी देर में इसको चेक करते हैं, ऑलमोस्ट जो है ये बाहर आ चुका है, थोड़ा सा रह गया। वैसे तो इसको मैं थोड़ा सा छिलके को खींच के निकाल भी सकता हूँ, बट मैं चाह रहा हूँ कि अपनी एफर्ट में बाहर आए। तो थोड़ी देर में इसको चेक करते हैं भाई क्या पोजीशन होती है इसकी। अच्छा भाई अभी इनकी चूजों की फीड ऐड करनी है और अंदर की सफाई करनी है, तो देखिए भाई बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है तो फटाफट इसकी सफाई कर लेता हूँ पहले। अच्छा भाई दोस्तों जितनी देर में मैं वहाँ सफाई कर रहा था, ये चूजा आप देख सकते हैं भाई माशाल्लाह से बाहर आ भी गया है छिलके से, और ये देखे भाई ये है हमारा नया मेहमान माशाल्लाह माशाल्लाह बाहर आ चुका है। तो यहाँ पे भाई मैंने सफाई कर दी है और पेपर भी नया बिछा दिया, और इन्होंने नए पेपर को भी गंदा करना शुरू कर दिया है, तो फीड यहाँ पे फुल कर दी है। आ जाओ भाई फीड पे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये आ गई है भाई इनकी फीड, और ये आ गया इनका मल्टीविटामिन्स का पानी, मैंने मल्टीविटामिन्स का पानी सबके लिए बना लिया है। और इनका रिएक्शन चेक करते हैं, आ जाओ बिस्मिल्लाह, जाओ आप लोग भी पानी पी लो, पानी आ गया माशाल्लाह भी माशाल्लाह। बाकी अपने फ्लॉक को भी जो है मल्टीविटामिन का पानी ऐड कर देता हूँ। अच्छा भाई लोमन ब्राउन्स के लिए भी मैंने मल्टीविटामिन का पानी रेडी कर दिया है, और खोलने का टाइम आ गया है। आ जाओ फ्लाइंग करते हुए, खाने को कुछ नहीं है फिलहाल, पानी पी लो भी। फीड जो है वो इनकी रखी हुई है यहाँ पे, फीड तो है और ऑर्गेनिक फिलहाल भाई कोई नहीं है, क्योंकि भाई अब मुझे हाइड्रोपोनिक फॉडर स्टार्ट करना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह करूँगा आज या कल से, क्योंकि गंदम मैंने ला के रखी हुई है 4-5 दिन से रखी हुई है, जैसे उसको भिगोगे जो है वो प्रोसेस को स्टार्ट करना है इंशाल्लाह उसको करेंगे। अच्छा अंडे मैंने यहाँ से उठा लिए थे, टोटल जो है वो 4 अंडे आए थे अभी सुबह सुबह लोमन ब्राउन के, और एक जो है वो लोमन ब्लैक का था, तो टोटल माशाल्लाह अभी तक जो है 5 अंडे आ चुके हैं। ये देखिए भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा भाई लोमन ब्लैक्स को भी मैं मल्टीविटामिन का पानी ऐड कर दूँ, पानी पियोगे आप? ले लो पानी पी लो, शाबाश शाबाश पी लो आप। चलो भाई माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। चलो भाई ये ज़रा पानी पी ले, फिर इसके बाद मैं ये पानी अंदर ही ऐड कर दूंगा पिंजरे में, ताकि लोमन ब्लैक्स भी पी ले, क्योंकि भाई अब मैं उनको खोलने का रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि जब तक ये यहाँ पे फेंस नहीं लग जाती पर्दे की तब तक जो है वो मैं इनको नहीं खोलूँगा। तो ये तो भाई सही है नॉर्मल है अभी, क्योंकि अभी जब मैं आया था तो ये जो है वही मुर्गियों के पास ही खड़ा हुआ था। एक्चुअली इस गैली की जो है ना ये दीवार छोटी है, अब वो जो मेरी दूसरी वाली गैली है ना उसकी माशाल्लाह से दीवार ऊँची है, तो वह उसको जो है वो सोचती नहीं है क्रॉस करने का, तो इसको इन्होंने ईजिली क्रॉस कर लिया। चलो मैं इससे तो पानी पी लिया, अब यही अंदर ऐड कर देता हूँ मैं लोमन ब्लैक्स के लिए। बाहर नहीं आना है आप लोगों ने, ये बता दूं मैं, हाँ बाहर नहीं आना है, यहीं पियो यहीं पियो यहीं पियो, थोड़ी देर पकड़ लूँ ऐसा ना गिरा ही दे पानी। चलो भाई यहीं पी लो सुकून से पानी, गिराना नहीं आराम से पीना। चले भाई माशाल्लाह ये भी पानी पी रही है। अच्छा भाई अभी एक चीज़ जो है वो यहाँ पे वेस्टेज के तौर पे हो रही है, वो ये कि सोलर पैनल जो है वो अभी आपके सामने बना रहा है यहाँ पर तकरीबन 250 वाट्स, और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 250 वाट्स बना रहा है। अभी कुछ देर पहले मैंने पानी की मोटर चलाई हुई थी, तो ये 300+ पे भी चल रहे थे, यानी कि इनकी पावर 300+ पे जा रही थी। इट मीन्स के इस टाइम पे लोड ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से ये पावर जो है वो पीक अपनी दे नहीं रहा। बेसिकली मेरा प्लान ये है कि मुझे अच्छी बैटरी मिल जाए, ताकि मैं उसको नाइट के लिए जो है वो उसी डे की पावर में जो है वो उसको चार्ज कर लूँ, क्योंकि अभी डे में जो है ना ये कैपेबल है पावर देने के लिए, बट इसको जो है वो स्टोरेज के लिए कोई पावर का ऑप्शन मिल नहीं रहा। तो यूटिलाइजेशन तो भाई ये मेरे पास ये मैक्सिमम ये यूटिलाइजेशन है, इसके अलावा जो है वो घर पे नीचे जो है छोटी मोटी लाइट्स वगैरह चलती हैं, पंखे तो चलते ही नहीं है, तो ये बस एक लॉस हो रहा है पावर का, तो उसको कंपनसेट करने के लिए मुझे बैटरी की जो है ज़रूरत है,
और ये वाली बैटरी जो है वो अभी मैंने इसकी जो है वो रोक दी है टेस्टिंग, क्योंकि टाइम ज़रा भी मुझे मिल नहीं रहा है, तो थोड़ा सा और मुझे प्रॉपरली इसको चेक करना पड़ेगा, पानी वगैरह निकाल के इसकी ग्रेविटी वाला दूसरा पानी चेंज करके एक दफ़ा फिर इसको टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम चल रही है, अगर इस बैटरी का सोल्यूशन ही निकलता तो मुझे दूसरी बैटरी पर जाना पड़ेगा, ताकि रात का जो मेरा मसला है ना, जो रात को मुझे UPS जो मेरा डाउन हो जाता है तो वो मसला ना हो। अच्छा भाई दोस्तों, अभी जो है वो मैं प्लाइयाँ और लकड़ियाँ लेके आया हूँ, ये मैं दो आधे की प्लाइयाँ खरीद के लेके आया हूँ, ये 4x8 की प्लाई है और 1600 रुपये की एक पड़ी है, 3200 रुपये की ये है, बाकी एक बंडल मैंने ये ख़रीदा है, ये 2x1 इंच से थोड़ा सा कम है, ये तकरीबन एक इंच कह सकते हैं, थोड़ा सा कम है, चंद MM कम है, आई थिंक ये 22 MM की होती है चौड़ाई इसकी, और पूरा 2 इंच की है ये पट्टी, 10 का बंडल लिया है मैंने 4200 रुपये का। तो अब प्लान बेसिकली ये किया है कि इन लकड़ियों को जो है वो मैं ऐसे पिलर के तौर पर खड़ा करूँगा और इस पर जो है ऐसे प्लाई लगा दूँगा, तो अब ये जो 4 फिट की हाइट है ना, ये 8 फिट की हो जाएगी, क्योंकि ये प्लाई भी देख सकते हैं आप 4 फिट की है, और ये दीवार भी आप देख सकते हैं इसके साथ ही खड़ी हुई है 4 फिट की है, तो टोटल 8 फिट हो जाएगी। अब मैं इसे प्लाई यूँ भी लगा रहा हूँ कि इन फ्यूचर अगर मुझे इसको कवर करना होगा ना, तो मुझे ऑलरेडी जो दीवार यहाँ पर मिल जाएगी इधर और इधर, तो फिर जस्ट उस पर जो है वो एक बीच में बीम देके ना मुझे शीटें डालनी होंगी, कुछ भी कवर अप करना होगा फाइबर वगैरह से, मेरा जो है वो शेड जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो अब जो है वो मैं इस काम को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पहले जो है वो इसके पिलर्स लगाता हूँ। अच्छा भाई दोस्तों, पहला जो है हमारा पोल लग चुका है, ये आप देख सकते हैं, और काफ़ी जो है वो ये मजबूत है, यानी कि हिलाने पे हिल नहीं रहे, तो अभी जो है वो बकाया पोल जो है वो 3 यहाँ पे लगाने, एक कॉर्नर पे आएगा और एक जो है वो 8 फिट के बाद यहाँ पे पोल आएगा और एक पोल जो है वो यहाँ पे आएगा, तो इस तरीके से जो वो ये एल शेप में भी इसको मैं कम्प्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये मुर्गी उड़ के जाए भी ना तो घर के अंदर ही जाए, क्योंकि इस तरफ भी घर वाली साइड है, इस तरफ भी घर वाली साइड है, वो जो है वो गली पे साइड जा रही थी, इस वजह से इसको मैं पहले कवर कर रहा हूँ, इस साइड को देखेंगे बाद में इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो कभी देखेंगे। तो अभी क्योंकि मैं इधर ही हूँ काम कर रहा हूँ, तो मैं मुर्गियों को खोल देता हूँ ताकि थोड़ा सा घूम फिर लेंगे, क्योंकि काफ़ी देर से जो है वो ये बंद है और पानी भी शायद इन्होंने पी लिया है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फीड भी खा लो, चलो भैया पानी भी पी लो अपना। माशाल्लाह माशाल्लाह, अहमद की भी एंट्री हो गई है भाई, अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? अहमद की चप्पल नहीं है, चप्पल कहाँ है बेटा आपकी? ये देखो क्या कर रही है आपकी चिकन्स, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा भाई दोस्तों, अब जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर इंशाल्लाह इसका फिर मैं रिव्यू देता हूँ कि क्या हमने किस तरीके से काम किया है, तो अभी जस्ट पिलर्स लग रहे हैं, जब कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह फिर आपको दिखाएंगे। अच्छा भाई दोस्तों, काम कहाँ तक पहुँचा है ज़रा बता देते हैं, ये जो है वो प्लाई एक 8 फिट वाली लग गई है। अच्छा, इसको जो है ना मैंने 1 फिट नीचे कर लिया है और 3 फिट ऊपर कर लिया है, ताकि ये यहाँ से भी ग्रिप कर ले, एक फिट जो है वो दीवार में ग्रिप कर लिया है, बाकी जो है वो इन पट्टियों पे से इन पिलर से इससे ग्रिप कर लिया है। अब ये टोटल जो हाइट हो गई है 7 फिट की हो गई है, इनफ है ये, इससे इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। और एक प्लाई का टुकड़ा यहाँ पे आएगा बिल्कुल इसी के साथ ही, और वो मैं इसमें से काटूंगा, इसमें से काट के लगाऊंगा, जो बचेगा टुकड़ा वो फिर मैं इस शेप में जो है वो लगाऊंगा यहाँ पे। अच्छा भाई, आ रही आ रही फैमिली की तरह पोजीशन देखते हैं क्या है। अच्छा, यहाँ पे मैंने मट्टी के बाउल में जो यहाँ पे बचा हुआ पानी था ना, वो मैंने ऐड कर दिया है ताकि ये फिनिश कर लें, और इनको भी बंद करने का टाइम आ गया। पहले मैं फीड ऐड कर लूँ, फीड ख़त्म हो गई है क्योंकि आज कुछ ऑर्गेनिक इनको ऐड नहीं किया था, तो फीड मैं ज़रा और ऐड कर लेता हूँ। चलो भाई खा लो, खा भी लो और अब घर में भी जाओ, शाम हो गई है। बाकी भाई चेक कर लेते हैं शाम तक कितने अंडे आए। अच्छा भाई, एक अंडा जो है वो और आ गया है, तो माशाल्लाह से इस तरफ जो है वो 5 अंडे हो गए,
वो दोस्तों भी अच्छी बात है कि लोमन ब्राउन जो यहाँ पे 6 मुर्गियाँ उनमें से 5 जो है माशाल्लाह से अंडे दे रही है, क्योंकि यहाँ से मैंने आज 5 अंडे जो है कलेक्ट किए और एक जो है वो लोमन ब्लैक से किया है, तो टोटल आज माशाल्लाह से 6 अंडे आए। अच्छा भाई दोस्तों फाइनली दीवार का काम कम्प्लीट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये एल शेप में लगा दिया है और ये जो है वो पिलर्स माशाल्लाह से काफ़ी मजबूत है और आधे की प्लाई से ये कि अच्छा मतलब सॉलिड जो है वो ये हो गया है, तो आधे की प्लाई से जो है ये माशाल्लाह से काफ़ी सॉलिड हो गया है और नीचे भी मैंने जो है वो लकड़ी की सपोर्ट्स जो है वो यहाँ पे लगवा दी है ताकि जो है वो ये यहाँ से अच्छे तरीके से ग्रिप कर लेगी। तो भाई अब जो यहाँ से जो उनका उड़ के जाने का मसला था वो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा और ये जगह रह गई है, बाकी इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो उस पर जो है वो शेड वगैरह लगा देंगे जो ग्रीन शेड होता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया, इसकी भाई बड़ी टेंशन थी क्योंकि भाई मुर्गियों को तो मुझे खोलना होता ही है, बंद करके मैं रख नहीं सकता और खोलने पे भी ये ख़तरा था कि भाई ये उड़ के निकल सकती हैं। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया है और अब जो है वो इंशाल्लाह सुकून से जो है मुर्गियों को मैं खोल सकता हूँ।